हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं कोई रेसिपी वगैरह लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं बस अपने बच्चों की एक्टिविटी आप सभी को दिखाऊंगी, मेरे बच्चे क्या क्या करते हैं घर में रहकर, क्योंकि अभी कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो मैं बच्चों को बाहर नहीं खेलने जाने देती हूँ, पहले वो जाते थे लेकिन अभी मैं नहीं जाने देती हूँ। और स्कूल तो बहुत दिनों से बंद है, और अब तो ट्यूशन भी बंद हो गया है उनका, ट्यूशन में भी उनको छुट्टी दे दिया गया है। तो घर में ही रह के पढ़ाई करते हैं, थोड़ा बहुत जो उनको करना होता है मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर देती हूँ उनसे जितना हो पाता है। और फ्रेंड, वो अपने इच्छा के अनुसार भी कुछ कुछ करते हैं, तो वही सब चीज़ें मैं आप सभी को दिखाऊंगी। तो मैं आपको बच्चों से मिलवाती हूँ, आप लोग इस वीडियो में बने रहें। देखिए फ्रेंड, यहाँ मेरे बच्चे टीवी देख रहे हैं, और ये टीवी देख कर ही टाइम पास करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो मैं आप सभी को दिखाती हूँ। बोलो दोनों बच्चे हेलो। हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी को हेलो बोल रहे हैं। तो फ्रेंड, और क्या क्या करते हैं ये मैं आप सभी को दिखाती हूँ आगे वीडियो में। तो आयशा, और क्या क्या करती हो टीवी देखने के सिवा? और होमवर्क करती हूँ शाम को, और गाने बनाती हूँ पिक्चर बनाकर, और खेलती हूँ। और टीवी कहाँ खेलती हो? बाहर? बाहर नहीं, अंदर। हाँ, बाहर नहीं खेलती है फ्रेंड, अंदर खेलती है। बाहर अभी जाना इसको मना है दोनों को, तो ये लोग अंदर में ही खेलते हैं। और मेरी बेटी को कहानी बनाना बहुत पसंद है, तो ये कहानी बनाती है कॉपी में, तो आप सभी को दिखाती है। आप लोग प्लीज वीडियो में बने रहे। तो देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरह का ड्राइंग बनाई है, और ड्राइंग के माध्यम से ये कहानी बनाती है, मतलब लिखकर नहीं बनाती है कहानी। तो इसके कहानी तो मुझे समझ में आ रही है कि इसने क्या बनाया है, तो आप सभी को हो सकता नहीं समझ में आ रहा होगा, तो ये अपने मुंह से बता देगी आप सभी को बोलकर इसने क्या बनाया है। तो बताना ऐसा है, क्या बनाई हो, कौन सी कहानी है? पहाड़ है, और इसके पीछे से सूरज उग रहा है, और ये लड़की खेलने आ रही है, लेकिन जब ये खेलने आती है तब बारिश होने लगती है, तब ये अंदर जाकर छाता लाती है। अच्छा। फिर यहाँ पर फूलों को भी पानी मिल जाता है, और यहाँ पर बत्तखों का तालाब है, बत्तख अभी इसके अंदर गए हुए हैं। अच्छा। और ये नाच रही है यहाँ पर बारिश में, और ये एक पंछी है जो उड़ रहा है, और ये रेनबो है जो बारिश और धूप के साथ में आया है। अच्छा। और कहानी खत्म हो गई। तो फ्रेंड, आप सभी को इसका कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड, अभी छोटी बच्ची है लेकिन फिर भी अच्छी कहानी बना लेती है, ड्राइंग तो अभी उतना अच्छा नहीं बन पाता है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे सीख जाएगी, कोशिश कर रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जब इस तरह से कहानी मुझे सुनाती है, इस तरह का ड्राइंग बनाकर, तो मतलब छोटी सी बच्ची होकर इस तरह का कहानी बना लेती है, तो धीरे धीरे ये मतलब कुछ करेगी फिर आगे जाकर। तो अभी छोटी बच्ची है तो उस हिसाब से कर रही है। तो फ्रेंड, मैं आप सभी को अब अपने बेटे की क्रिएटिविटी दिखाती हूँ कि वो क्या क्या करता है, तो आप लोग इसी तरह वीडियो में बने रहें। तो फ्रेंड, आप सभी ने मेरी बेटी की कहानी तो देख ली, अब मैं आप सभी को अपने बेटे की क्रिएटिविटी दिखाऊंगी। उसे भी बहुत सारी चीज़ें बनानी आती है, और वो क्या क्या बनाता है मैं आप सभी को दिखाती हूँ बैक कैमरे से। फ्रेंड, मेरा नाम आयुष कुमार है, मैं आपको आज पेपर के गन्स और एरोप्लेन बना के दिखाऊंगा। दोस्तों, मैंने ये खराब वाला न्यूज़पेपर यूज़ किया है, आप खराब वाला न्यूज़पेपर या फिर कॉपी जिसमें लिखा हो वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। पहले आपको दिखा दिया, मैं आपको गन बना के दिखाऊंगा। तो गन के लिए हमें 2 पेजेस चाहिए। तो दोस्तों, ये खराब पेज है, इस पे लिखा हुआ है, ये पुरानी कॉपी का है, तो मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो पहले हम इधर से फोल्ड करना है ऐसे, फिर हमें ऐसे करते जाना। Hey!
चीज़ बनानी है, तो आप कमेंट करके बताएं कैसा लगा। और आप घर पे ये ख़राब न्यूज़पेपर और पेपर से बना सकते हैं ये चीज़ें, और ये खिलौने बहुत ज़्यादा मस्त होते हैं, आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, बच्चे इनसे खेल सकते हैं घर में। तो फ्रेंड आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल को दबा ले ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।